धैर्य एक अच्छा गुण है, पेशेंस इज ए गुड वर्चू। आपको धैर्यवान होना चाहिए। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण कंटिन्यूअस टेंस संबंधी बात बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान दें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस अब्लिक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब जिनका कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है, इन्हें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग करना चाहिए। वर्ब्स ऑफ फाइव टेंसेस, पांच ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड फील, सब हैं। भले ही इनका हिंदी वाक्य में कंटिन्यूअस टेंस प्रतीत होता हो, परंतु अंग्रेजी वाक्य बनाते समय प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही अनुवाद बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सीइंग ए बॉय प्लेइंग देयर, जो कि गलत है ना। आई सी ए बॉय प्लेइंग देयर, सीइंग के स्थान पर सी लगाया हुआ है, जिसका अर्थ मैं वहाँ खेलते हुए एक लड़के को देख रहा हूँ, जो कि सही है। वी आर हियरिंग ए स्वीट नॉइज, है ना, जो हम वहाँ एक मधुर आवाज सुनाई दे रही है, हमें एक मधुर आवाज सुनाई दे रही है, यह जो गलत है। वी हियर ए स्वीट नॉइज, हमें वहाँ एक मधुर आवाज सुनाई दे रही है। हियरिंग के स्थान पर हियर है, जो कि इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बिलोंग करता है। दीज रोजेज आर स्मेलिंग स्वीट, जो कि गलत है। दीज रोजे स्मेल स्वीट, यह सही है। दीज मैंगोज आर टेस्टिंग सोर, ये गलत है, जिसका दीज मैंगोज टेस्ट सोर, है ना, हमें ये आम खट्टे महसूस हो रहे हैं, टेस्ट सही है। आई एम फीलिंग मच कोल्ड टूडे, आई फील मच कोल्ड टूडे, हमें आज अधिक ठंड महसूस हो रही है। वर्ब ऑफ फीलिंग, भावना व्यक्त करने वाली क्रियाएं क्या हैं, जैसे लव, हेट, डिजायर, वांट, विश, फियर। आई एम लविंग ऑल ऑफ माई कंट्री मैन, जो कि गलत है, ग्रामेटिकल पोर्शन से ये सही है। आई लव ऑल ऑफ माई कंट्री मैन। ही इज डिजायरिंग मच हेल्थ, जो कि गलत है, ही डिजायर्स मच हेल्थ, यह सही है। वाई इज सी हेटिंग हर हस्बैंड, जो कि गलत है, वाई डज सी हेट हर हस्बैंड। इसी संदर्भ में वर्ब्स ऑफ मेंटल एक्टिविटी, मानसिक गतिविधि संबंधित क्रियाएं, जैसे एग्री, फील, नो, फॉरगेट, रिमेम्बर, बिलीव, एक्सपेक्ट, रिकॉग्नाइज, सपोज, थिंक, अंडरस्टैंड, इस तरह की क्रियाएं हैं। इनका कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हुए और कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से वाक्य बनाया जाता है, जैसे ही इज एग्रीइंग टू गो विथ मी, या जो कि गलत है, इसको ही एग्रीज टू गो विथ मी, यह सही है।
Yes, I am feeling that you are innocent. I am feeling that you are innocent. I feel. Feeling के स्थान पर फिर हुआ that you are innocent, जो कि सही है. I am forgetting your name, जो कि गलत है. इसके स्थान पर I forget your name, जो कि सही है. He recognizing me, जो गलत है. Does he recognize me, जो कि सही है. अब फिर अधिकार या स्वामित्व प्रकट करने वाली क्रियाएं, वर्ब्स ऑफ पैशन, है ना. ऐसे इसमें विलांग, ओन, हैव, ओन, पैशन इत्यादि. जैसे दिस बिल्डिंग इज बिलोंगिंग टू माय अंकल, जो कि गलत है. दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू माय अंकल, जो कि सही है. इसी संदर्भ में माई अंकिल ओन ए जेन कार, जो गलत है. माई अंकिल ओन कार जेन कार, जो सही है. आई एम हैविंग टू स्कूटर फॉर माई पर्सनल यूज, गलत है. आई हैव टू स्कूटर फॉर माई पर्सनल यूज, सही है. हाउ आई गोइंग योर, जो यू गलत है. आई मस्ट डू I owe to you, sir. A lot of thanks for that.